तो गाइस अक्सर मेरे पर कंसल्टेंसी के कॉल आते हैं जिसमें लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मनीष जी घर तो बनने लग रहा है बट हम यार बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि चौखट या डोर फ्रेम्स या डोर्स है वो कौन सी चीज़ के लगे, यूपीवीसी के लगाएं, एल्यूमिनियम के लगाएं, लोहे के लगाएं या वुड के लगाएं, और कैसे पता चलेगा यार कौन सी चीज़ जब से ज़्यादा टिकेगी और सस्ती भी पड़े और सुंदर भी लगे, मेंटेन भी कम करनी पड़े। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसमें एक के ऊपर सारे वो 6 पॉइंट्स होंगे, जैसे कि डेकोर कि भाई सबसे सुंदर कौन सी लगेगी, दूसरा क्या उसका रेट आने वाला है, तीसरा उसकी लाइफ कितनी होगी, किस ब्रांड की आपको लेनी चाहिए, मेंटेनेंस उसकी कैसी होगी, कितना खर्च आएगा मेंटेनेंस में, और छठा पॉइंट ट्रिक कि अक्सर मार्केट में कैसे आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, बताते कुछ और देते कुछ और देते थे, वो पॉइंट को आपको कैसे कवर करना है कि जब आप मार्केट में जाओ अपने घर की डोर फ्रेम्स लेने के लिए तो आपके साथ कोई भी तरीके का स्कैम ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो भाई इसमें मैं टोटली 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ, एक वुडन के जो फ्रेम्स होते हैं, दूसरा यूपीवीसी, और तीसरा मैं इसमें कवर कर रहा हूँ एल्यूमिनियम। अब इसके अंदर तीनों चीज़ में हम डोर फ्रेम्स के या जो विंडो लगते हैं, विंडो के जो फ्रेम्स लगते हैं, वो सारी चीज़ मैं इसमें बता दूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सी होने वाली है या मैं कौन सी लगाऊंगा, कौन सा डोर फ्रेम मैं यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वुडन डोर फ्रेम के बारे में कि अगर लकड़ी का काम कराने जा रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो भाई लकड़ी के अंदर जो वुड आती है वो होती है साल की, मरंडी की, टीक की, सीपी टीक, नागपुर टीक, ये 5 टाइप के और भी आती है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर मार्केट में चलती है वो ये होती है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी की चौखट के बारे में कि भाई कौन सी बेस्ट लकड़ी होने वाली है। सबसे पहले तो वो बता दूं, देखो इसमें जो लकड़ी में सांगवान में आता है जिसे टीक भी बोलता है, अब टीक में भी 2 है, सीपी टीक और नागपुर टीक, और इसमें सेकंड की सांगवान भी बोलते हैं, मतलब कि थोड़ी लो क्वालिटी की। दूसरी होती है इसमें मरंडी, फिर आती है साल। अब ऐसे और भी सारी डोर फ्रेम्स बनते हैं लेकिन मेन जो मार्केट में चलती है वो यही चलती है। लेकिन अब पहले मैं बताता हूँ इनका रेट जिससे कि आपको डिसाइड करने में आसानी। तो जो सीपी टीक है, नागपुर टीक है, उसका रेट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो रेट होता है वो करीब 650 रुपये रनिंग फुट से लेके 1000 रुपये रनिंग फुट तक जाता है तैयार करके, जिसका डोर फ्रेम का साइज होता है 5 इंच बाई 2.5 इंच। अब मतलब कि अगर मेरी जो डोर फ्रेम्स है वो ऐसे है, मतलब 7 फुट 7 फुट और 3 फुट, तो 7 + 7 + 3 कितना हो गया, 14 और 3 = 17, इंटू इसको 700 या 1000 रुपये से भी कर दो तो 14000 रुपये की एक डोर फ्रेम पड़ेगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें दूसरी आ गई सेकंड क्वालिटी सागवान, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो नहीं लगाना है, आपके पैसे खराब होंगे क्योंकि वो घटिया लकड़ी है। अब आप कहते हो यार मनीष वो तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, कुछ सस्ता आइटम बताओ, तो भैया मरंडी आती है, साल आती है, तो इसमें आपको लेनी है साल की लकड़ी। साल की लकड़ी सबसे बढ़िया होती है, जो सीजन के टाइम पे सबसे टफ खड़ी रहती है। अगर लकड़ी में जा रहे हैं तो वो आपको जाना है साल की लकड़ी में, जो कि पेंट हो सकती है, बहुत सुंदर दिखेगी। अब आपको पता लग गया कि भाई रेट पता लग गया, लकड़ी कौन सी लगानी है, बट आप पूछोगे यार मनीष एक चीज बताओ कि यार ये अच्छी भी लगेगी, मतलब क्या इसमें सुंदरता आई या ब्यूटीफुल हो पाएगा। तो भैया सबसे पहले आप ये फोटो देख लो, बढ़िया लग रही है ना, ये सारे साल की लकड़ी की चौखटे हैं, लेकिन फिनिश देखो कैसी आ रही है। तो आप चाहो तो अपने डोर्स पे डाल सकते हो, और मैंने घर के पुराने दरवाजों को बिना फेंके हुए उनको नया कैसे करना है उस पर पूरी वीडियो डाली हुई है, आई बटन में लिंक डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके आप चेक कर लेना, वायरल वीडियो सबको पसंद आई है, पुराने दरवाजों को ही नया कर दिया है, बहुत अमेजिंग वीडियो, देखना जरूर। अब आती है लाइफ की बात, तो भैया ये 25-30 साल कहीं नहीं जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है टर्माइट का जो इश्यू आता है वो लग सकता है, लेकिन अगर आपने टर्माइट ट्रीटमेंट पहले ही करवा दिया है अच्छे से, टर्माइट की कंपनी अगर मार्केट में 100 हैं तो 90 फ्रॉड ही चल रही हैं, सब दवाई के नाम पे पानी छिड़क छिड़क के जाते हैं, तो वो नहीं कराना है। टर्माइट ट्रीटमेंट का जो असली केमिकल है वो मैंने लिंक में डाल दिया है, आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो, कर लेना कोई और मत करना, या तो टाटा का केमिकल कोई कर लेना, नहीं तो जो लिंक दे रहा हूँ यही करना है। अब आती है मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस में है कि जब घर पेंट होगा तो चौखट को पेंट कर सकते हो, तो हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, इसमें हमेशा मैट फिनिश का ही पेंट करना, वो भी एनिमल वाला, तो बहुत ही प्यारी लुक आ जाएगी जो मैंने आपको फोटो में पहले दिखाया था। अब बात आती है छोटी सी ट्रिक की, तो भाई पता कैसे लगेगा कि भाई ये लकड़ी जो है ये टीक की लकड़ी है कि साल की है कि मरंडी की है। तो इसका छोटा सा ट्रिक ये है कि जो टीक की लकड़ी होगी उसके अंदर रेशे मतलब ग्रेन्स दिखाई देंगे, साल के अंदर कोई रेशा दिखाई नहीं देगा, हुआ भी तो बहुत हल्का सा, और मरंडी में तो बिल्कुल सॉलिड कलर ही दिखाई देगा, उसमें कोई रेशा होता ही नहीं है। चाहो तो आर्टिफिशियल रेशे बनाए जा सकते हैं पेंट के थ्रू, लेकिन वैसे कोई चीज़ नहीं होती है। लास्ट में मैं इसका आपका एक कंपैरिजन चार्ट भी दे दूंगा जिसमें से आपको और आसानी से आप देख पाओगे कि आपको कौन सी चीज़ है, वो लास्ट में बोल दूंगा, स्क्रीनशॉट आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है भैया आप यूपीवीसी कि मनीष ठीक है हमें वुड नहीं लगाना यार, यूपीवीसी के बारे में कुछ बताओ। तो भाई यूपीवीसी में सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले मैं बात करूँगा डेकोर के लिए, तो आप ये पहले फोटोज देखो,
यार ये ना मेरी पर्सनल फेवरेट थीम है यार, मतलब मैं चाहूंगा तो यही लगाऊंगा, पर इसकी एक ट्रिक भी होती है वो भी मैं बताऊंगा। मजा आया ना फोटो देख के, बढ़िया लग रही है ना। इसे बोलते हैं फ्रेंच स्टाइल, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसके लिए मैंने पूरी वॉल ट्रिम्स के ऊपर वीडियो बनाई है, पूरे घर के अंदर फ्रेंच थीम कैसे चलती है वो मैंने आई बटन में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यूपीवीसी का समझ आ गया। प्लेन वाले मत लगवाना यार, बहुत वाहियात लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। प्लेन वाले कौन से लगाने हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये मत लगवाओ, यूपीवीसी ट्रेंड जा चुका है, अब मत लगवाओ, बेकार लगते हैं। लगवाओ तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वो लगवा लो, जो अभी मैंने फोटो में दिखाया। अब क्या होता है, मेन आता है यार मनी। अब देखो जो हाई ब्रांडेड कंपनी है उनका जो रेट होता है वो होता है 850-900-1100 रुपए स्क्वायर फीट। अब आपको यार मनी, इस मंथ तो यूपीवीसी का ही है, जॉब बता रही है ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यार रेट कम कैसे करें? तो भैया मार्केट में एक हो गया ब्रांड, दूसरा मैं जो नाम बताऊंगा वो भी ब्रांडेड ही है लेकिन अभी इतना फेमस नहीं है, लेकिन मटेरियल लाजवाब देता है। तो वो कंपनी का नाम है जेड प्लास्टो प्रोमिनेंस और लेसो LESO। तो ये तीन कंपनी है, इस पर आप आंख बंद करके ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बहुत पसंद है, इनके साथ मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, तो इसका आप यूपीसी मटेरियल लगवा सकते हो। और इसका जो रेट होता है वो स्टार्टिंग होती है 550 रुपये स्क्वायर फीट से, लेकिन ये कंपनी का रेट है, अगर आप वेंडर के थ्रू लगाओगे तो शायद आपको 650 रुपये का रेट भी दे सकता है, लेकिन 550-650-600-650 में आपका काम ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और अगर आप भैया कोस्टल रीजन में रहते हो, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तब आपके लिए यूपीसी फ्रेम ही एक फाइनल ऑप्शन है। ना आपको वहाँ एल्यूमिनियम लगाना है, ना वहाँ आपको लकड़ी लगानी है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी पाउडर कोटेड होता है, और जब बहुत ज़्यादा जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे एल्यूमिनियम बेकार हो जाता है, तो वो नहीं करना है आपको, यही चीज़ लगानी है। यूपीसी आपके लिए फाइनल सॉल्यूशन होगा, दैट्स इट। और फ्रेंच स्टाइल फॉलो कर लेना, घर ऐसा लगेगा मज़ा आ गया जैसे। ठीक है, तो अब इसमें मैं बता रहा हूँ ट्रिक, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, साइट सुपरविजन ले लो। कितने लोगों के घर हैं जो बन गए और अब दिक्कतें आ रही, इसलिए साइट सुपरविजन जरूरी है। तो अब आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, जब आप ये फ्रेम इंस्टॉल करवाओगे अगर यूपीसी लगवा रहे, तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ब्रांड चेक करना है, जो भी ब्रांड होगा उसका अंदर फ्रेम के चैनल के अंदर झांक के देखना, नीचे बॉटम सेक्शन में उसका मार्किंग जरूर होगा। कई बार क्या करते हैं, बाहर से पंच कर देंगे, जो उसमें पन्नी रह पाती है वो पंच कर देते हैं कंपनी की, और लोकल ब्रांड आ जाता है। तो अंदर हमेशा उसके चैनल पे पंच होगा, उस कंपनी का नाम और ISI कोड लिखा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा ये उसी कंपनी का माल है। ट्रिक नंबर टू, लोग क्या करते हैं, यूपीसी विंडो सीधा दीवार में इंस्टॉल तो करा लेते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या आती है, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक जगह यूपीसी विंडो इंस्टॉल हुई, लेकिन उस पर धक्का मारा तो विंडो ही नीचे गिर गई। और रीज़न क्या था उसके, क्योंकि जैसे अगर ये फ्रेम है तो दीवार के अंदर स्क्रू जाता है। ठीक है, आपको वो फ्रेम इंस्टॉल कराने से पहले ग्रेनाइट का फ्रेम लगवा लेना है। ठीक है, चारों तरफ से दीवारों पे ग्रेनाइट लग जाए। अब मान लो आप कहते हैं नहीं यार मनीष, वो खर्चा नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, हमारे कंपनी का लोगों क्या बजट आपका डिजाइनर वाला, तो कम खर्चे में कराएंगे। अब आपको क्या करना है, पहले प्लास्टर को हथौड़े से थोड़ा मार के चेक कर लो लूज तो नहीं है, उसके बाद जो वहाँ पे स्क्रू लगेगा उसका लेंथ लंबा कर लो, जहाँ पे स्टैंडर्ड लेंथ होना है उसको लंबा कर लो, 2-3 इंच एक्स्ट्रा कर लो, जिससे कि वो और अंदर चले जाए, आपका फ्रेम ऑटो स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गई ट्रिक नंबर टू। अब ट्रिक नंबर थ्री क्या है, लोग क्या करते हैं पैसा बचाने के लिए, जो यूपीवीसी का काम होता है साउंड प्रूफिंग करना, कि आवाज़ अंदर ना आए बिल्कुल भी, इसलिए वहाँ पर डाला जाता है, और ब्यूटीफिकेशन भी हो जाए। अब इसमें क्या होता है, जो वॉल के तरफ एजेस बच जाते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर, क्या करते हैं वहाँ पे बिरला वाइट पुट्टी भर देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। उससे क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद क्रैक होनी शुरू हो जाती है और साउंड अंदर आनी शुरू हो जाती है। अब ये वो लोग फेस कर रहे हैं, मैं क्यों पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि जिनका घर टॉप फ्लोर पे होता है, जैसे 16वें फ्लोर पे 17वें फ्लोर पे 18वें फ्लोर पे, जब हवा चलती है तो एक वो विसल जैसी आवाज़ आती रहती है बी करके, वो हमेशा आती रहेगी, और रात को ऐसा लगेगा कि आपके घर में भूत आ गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमेशा वहाँ पे एक पीयू फॉर्मिंग आती है, वो आपको फिलअप करना है, और पहले रेट लेने से पहले अपने ठेकेदार को बता देना कि भैया मुझे ये फॉर्मिंग करके देना है, या जो आप मटेरियल भरोगे वो मटेरियल मुझे दिखा देना, तभी मैं पास करूंगी, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी। ये ट्रिक को ध्यान रखना, बहुत काम की ट्रिप है, नहीं तो रात को बस सू सू आवाज आती रहेगी पूरे घर में। और इसी कंपनी की ले लेना जो मैंने कंपनी रिकमेंड की है, वो इसलिए क्योंकि बाकी जो हैवी ब्रांड्स हैं उनका जो पल्ला होता है बहुत भारी होता है, तो छोटे बच्चे जब कोशिश करते हैं कि यार हम इसको खोल लें तो खोल नहीं पाते। तो क्योंकि रिसेंटली एक केस में क्या हुआ, घर में आग लग गई थी और उसको छोटा बच्चा खोल नहीं पाया, बहुत हैवी फ्रेम था, जबकि जो जिसकी कॉस्टिंग कम है कंपनी की, उनका कॉस्टिंग कम इसलिए क्योंकि उनका जो फ्रेम का वेट है वो थोड़ा हल्का होता है, स्लाइडर थोड़ा हल्का होता है, तो इजीली ओपनेबल होता है, इसलिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ। अब आते हैं भाई उन लोगों की बात जो जाते हैं मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन की, भैया घर लगे तो ऐसा कि मज़ा आ जाए, तो उनके लिए है एल्यूमिनियम के डोर ग्लास फ्रेम्स। लेकिन एल्यूमिनियम दो टाइप के आते हैं, एक जिसमें सेक्शन मोटा चलता है, एक जिसमें सेक्शन पतला चलता है। जो मोटा वाला सेक्शन है वो बहुत ही सस्ता आता है, करीब आप मान के चलो 200-250 रुपये स्क्वायर फीट में काम हो जाता है, लेकिन जो स्लिम प्रोफाइल है वो आता है 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले आप देखो ये फोटोज़।
तो भाई ये सारी स्लिम प्रोफाइल्स हैं जो 12 mm 25 mm 1 inch में प्रोफाइल बनती है, जिसमें ग्लास सारे लगे जाते हैं और देखने में अगेन बहुत बहुत अच्छा लगता है, प्रीशियस लगता है, लग्जरी लगता है, रॉयल फील देता है। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब बोलते हैं तो एसी बंद करना पड़ता है और भाई यहाँ पे ना पसीने आ गए हैं बोलते बोलते, तो भाई सब्सक्राइब बटन भी दबा देना और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो, और कोई सवाल पूछना तो कमेंट में भी बता देना, और जो आप कमेंट करोगे उसका मैं अलग से नेक्स्ट डे पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपसे जितनी वीडियो रहेगी, जो कमेंट्स आप पूछोगे, लेकिन सेम डे पे कमेंट, हाँ आज जो आपने कमेंट पूछा उसका मैं अगले दिन वीडियो बना के शॉर्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आपको अगर कोई डाउट है तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाई एल्यूमिनियम के अंदर इसका जो कॉस्ट, अब फोटो आपने देख लिया, इसकी कॉस्टिंग है 1000 रुपये से स्टार्ट होती है अगर बल्क ज़्यादा है तब, नहीं तो आपको 1200, 1300, 1500, 1600 तक भी मिल सकती है, लेकिन अगेन फोटोज आपने देख लिया, फील उतनी ज़बरदस्ती है देगा। और इसमें भाई बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, ब्लैक कलर आता है, मेरा तो ब्लैक ही फेवरेट है। अब इसमें आप रोज गोल्ड भी ले सकते हो, कॉपर गोल्ड ले सकते हो, बहुत सारे कलर हैं। वो पाउडर कोटिंग में आपको जो बहुत सारे शेड्स आते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप करा सकते हो, जैसा आपका घर का थीम सेट होता है, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर सिर्फ कलर भी पूछना है तो कंसल्टेंसी कॉल कर सकते हो, आपको हमारा डिजाइनर बता देगा कि आपकी थीम के हिसाब से कौन सा कलर बेस्ट जाएगा। अब आती है ट्रिक की बात कि भैया वो ट्रिक क्या है मनीष, इसमें भी कुछ ट्रिक देखनी पड़ती है? बिल्कुल देखनी पड़ती है भैया। इसमें टफन ग्लास का थिकनेस देख लो, सिंगल ग्लास है, डबल ग्लास है, क्या आने वाला है वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, इस वाले केस में आपको चारों तरफ से ग्रेनाइट देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, नहीं तो खराब हो जाएगा फ्रेम सारा, कभी भी टूट जाएगा, ग्लास भी टूट सकता है, तो हमेशा तो ग्रेनाइट का बॉर्डर देना ही देना है। तीसरी चीज, इसके अंदर रबर जो सील किट आती है, जिसे सील किट बोलते हैं हम, वो हमेशा EPDM कंपनी की ही होनी चाहिए। अगर किसी और कंपनी की डाल रहा है तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि मैं कम से कम 1000 कंपनी के साथ काम कर चुका हूं, तो यही कंपनी सबसे बेस्ट है, जो हमेशा सील्ड रहती है, साउंड नहीं आता, पानी नहीं आता, बिल्कुल सही चीज है। तो ये ट्रिक का ध्यान रखना, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना भैया हमें यही सील किट चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर अप कर दिए। अब मेन पॉइंट कि भाई आप बताओ मनीष जी, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, डिज़ाइन की भी दिक्कत नहीं है, आप कौन सी लगाते हैं? भाई देखिए, सच बताऊँ तो मैं भी कन्फ्यूज हूँ जब मेरे घर के डिज़ाइन की बात आए, लेकिन मैं अगर जाऊँगा तो मैं वुडन फ्रेम पे जाऊँगा, जिसको मैं एनिमल मैट फिनिश से कर सकता हूँ और कलरफुल प्ले कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। और सबसे बड़ी चीज़ पॉकेट के अंदर आ जाती है, और उसका जो आता है रेट मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप गाइस मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब हिट कर देना, और यार थोड़ा सा और आपका पुश चाहिए, मैं चाहता हूँ जुलाई एंड तक कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे आ जाए। और भाई हमने व्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे जाओ देखो कि जब हम साइट विजिट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या आर्किटेक्चर है, क्या इंटीरियर है, उसके बारे में सारा बताते हैं, और कैसे हम फन करते हैं वो भी वहाँ पे है, तो जाना उसको भी जरूर देखना और बताना कैसा है वहाँ पे कमेंट करके। और भाई तुम्हारे भाई ने फाइनली इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया है, अब वो इंस्टाग्राम को वो अभी भी थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा मेरे को रील डालना नहीं आता, वो कैसे बनती है वो अभी मैं सीख रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आ गया, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज डाल सकते हो, कोई भी चीज़ है मुझसे पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन भी है भाई, ट्रेंड हो रहे हैं हम, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, तो उसको करना जरूर। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।